वीडियो में आप लोग जाने कि रेडमी बिजनेस मॉल वीएस स्पाइस मनी। तो रेडमी बिजनेस मॉल में 35 प्लस सर्विसेज है दोस्तों, मतलब 35 प्लस सेवाएं हैं। और यहां पे देख सकते हैं कि स्पाइस मनी में 27 प्लस सर्विसेज है। तो 27 प्लस सर्विसेज हैं, और कौन सा ऐप लूँ, ये दोनों में से कौन सा ऐप लूँ और कौन सा अच्छा है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम आगे कौन सा सर्विस अच्छा रहता है, कौन सा ऐप लेना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम का वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडमी बिजनेस मॉल को ओपन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ओपन करेंगे, कुछ आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये आ गया 35 प्लस सर्विसेज, यहीं पर आपको दिखाई दे दिया होगा। तो यहाँ पर जैसे ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद यहाँ से बैक कर लेते हैं इसका स्पाइस मनी। तो ये स्पाइस मनी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। जैसे स्पाइस मनी को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज, डीएमटी 2.0 मनी ट्रांसफर, स्पाइस मनी एटीएम, एपीएस सेटलमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, एपीएस कैश विड्रॉ, APS मिनी स्टेटमेंट, एम पोज, कैश कलेक्शन, भीम मतलब भीम UPI, आधार पे हो गया, LIC पेमेंट। इतना सारा अगर आपके पास स्पाइस मनी होगा तो इतना सारा सर्विस इसमें मिलता होगा। IRCTC, फ्लाइट टिकट, होटल अप्लाई, पैन कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक DTH, फास्टैग बुक, क्लिनिक लोन, इंश्योरेंस, यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो आप रेडमी बिजनेस मॉल को नहीं जानते हो, तो चलिए रेडमी बिजनेस मॉल को आप ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ओपन करेंगे रेडमी बिजनेस मॉल को, तो यहाँ पे देखने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखते हैं कि यहीं पे आ गया 35 प्लस सर्विस इन वन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का इंटरफेस आया। तो यहाँ पे देखते हैं लिखा है रेडमी सारथी। तो यहाँ पे आपको सर्विस देखने को मिलेगा, कमर्शियल लोन, होम लोन, इंस्टेंट लोन, डिजिटल बिजनेस लोन, डिजिटल पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, क्रेडिट स्कोर, फास्टैग, आधार एटीएम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी सर्विस देखने को मिलेगा, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट। और यहाँ पे देखते हैं मनी ट्रांसफर, माइक्रो ATM, सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट का यहाँ से अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, इतना सारा बैंकों का। तो यहाँ पे देखते हैं कि सब बैंकों का आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट, उसके बाद यहाँ पे करेंट अकाउंट आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं इसमें रेडमी बिजनेस मॉल में। तो यहाँ पे लिखा है क्रेडिट कार्ड, इंडिविजुअल करंट अकाउंट, बाय नाउ पे लेटर, ईएमआई कार्ड, सैलरी अकाउंट, UPI कैश विड्रॉ यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे स्टेटिक्स UPI QR कोड से आप पेमेंट भी ले सकते हैं। जैसे QR कोड से कोई पेमेंट लेता है तो यहाँ से आप पेमेंट भी ले सकते हैं, यहाँ से QR कोड डाउनलोड करके। तो मैंने भी बहुत सारा लिया है। यहाँ पे हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा मैंने भी पेमेंट इससे लिया हूँ, और वॉलेट में आपका आ जाएगा, यहाँ से मूव टू बैंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इन्वेस्ट सर्विस, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड इन्वेस्ट, इंश्योरेंस, डीमेट अकाउंट, पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन, लीगल सर्विस, ISO सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट एंड ट्रेड मार्क, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल पोस्ट पे DTH रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज, होटल बुकिंग, बस बुकिंग, रेलवे बुकिंग, फ्लाइट टिकट, इलेक्ट्रॉनिक बिल, ये सब वगैरह वगैरह, इसमें इतना सारा सर्विस आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको दिखाते हैं कि रेडमी बिजनेस मॉल में कस्टमर सपोर्ट कितना बेस्ट है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कॉल अस टेक्निकल सपोर्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है हिंदी, क्लिक कर लिए। अगर इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में, अब कस्टमर केयर बोलेगा, अगर हिंदी में चाहिए तो हिंदी में कर दीजिएगा, तो हम हिंदी में कर लिए। उसके बाद लिखा है चूज डिपार्टमेंट, इसके ऊपर क्लिक करके अब किसी में क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है, यहाँ पे कॉल बैक मी, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि अभी 5 मिनट के अंदर मेरे पास कॉल आएगा। देख सकते हैं कि अभी आ चुका है, आपको स्क्रीन पर ही मतलब स्क्रीन पे ही आपको देखने को मिल जाएगा कि कंपनी कॉल कर दिया। देख लीजिए यहाँ पे आ गया रेडमी बिजनेस मॉल। तो यहाँ पे देखते हैं ये कंपनी का कॉल आया है, हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको क्लिक करके दिखा देते हैं, ये कंपनी का कॉल है। तो यहाँ पे इसको रिसीव नहीं करेंगे, हाँ, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए हम इसको ये करके दिखाएं। तो इसमें कंपनी सपोर्ट मस्त है दोस्तों। उसके बाद स्पाइस मनी में आपको कम मतलब ये टेक्निकल जो सपोर्ट होता है उसमें जल्दी सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है तो ये आपको सपोर्ट देगी रेडमी बिजनेस मॉल। तो रेडमी बिजनेस मॉल का रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर फ्रेंचाइजी अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके या फिर व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं, या फिर आप मेरा मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर मेरा वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट में आप परचेस करते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी अगर बढ़िया लगा तो वीडियो कर जाएगा, लाइक एंड चैनल को जो सब्सक्राइब। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तो धन्यवाद, मानते मतलब, टेक केयर, बाय।